शिव और प्रियंका के बीच हुई कॉन्वर्जेशन सुन के आपको लगेगा झटका। जी हाँ, क्या है पूरी अपडेट, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रियंका और शिव, जी हाँ, इनके बीच में हमने लड़ाइयाँ भी देखी है और आपस में एक दूसरे के ओपिनियंस शेयर करते हुए देखा है। अंकित के जाने के बाद इनका जो रिश्ता है कहीं ना कहीं नॉर्मल हो गया है। ना एक दूसरे को इतना टारगेट करते हैं, ना इतना खुन्नस में रहते हैं और नॉर्मली बात करते हैं और एक दूसरे के ओपिनियंस को अब सुनने लगे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फैमिली वीक हुआ था और सभी के फैमिली मेम्बर्स आए थे, तो आपको बता दूं कि वूट एक्स्ट्रा मसाला जो है वहाँ से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एमसी स्टैन बैठे हैं, उनकी मम्मी बैठी हैं, शिव बैठे हैं और प्रियंका बैठे हैं और ये बातचीत चल रही है कि पेरेंट्स हमारी कामयाबी पे कितना प्राउड फील करते हैं और एकदम फ्लॉन्ट करते हैं। तो जो शिव है वो भी बोलते हैं कि हाँ, मेरे पापा, एक दिन मैं साइकिल बनाया था, मेरे पापा मेरी तारीफ कर रहे थे, इतना कर रहे थे कि मुझे ऐसा हुआ कि यार बस करो, अभी इतना मत करो, मैं साइकिल घुमा के निकल गया। फिर प्रियंका कहती है कि हाँ, मैं भी जब उड़ारिया करके गई थी 2 दिन के लिए, तो एक आंटी जा रही थी तो मेरे पापा ने उनको बुला के बोला कि आप मिलना चाहती थी ना प्रियंका से, ये लो प्रियंका आ गए। तो बहुत प्राउड फील करते हैं और भले वो आपके सामने आपकी बुराई करे या फिर आपको करे, लेकिन आपके पीछे वो जिस तरीके से प्राउड फील करते हैं और आपकी अच्छाई को फ्लॉन्ट करते हैं, वो सबसे अलग होता है। और एमसी स्टैन की मम्मी भी एग्री करती है। तो ये जो कॉन्वर्जेशन हुआ है, ये जनता ने सुनने के बाद कहा है कि इसे क्यों एडिट किया, क्यों डिलीट किया, क्यों इसको एपिसोड में नहीं दिखाया। प्रियंका ने सभी फैमिली मेम्बर से कितने अच्छे से इंटरेक्ट किया पर आपने नहीं दिखाया, क्यों? तो जनता जानना चाहती है कि क्यों आप इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉन्वर्जेशंस को एडिट कर रहे हो। अब देखते हैं कि पर वूट मसाला में डाल दिया, एक्स्ट्रा मसाला में, तो कहीं ना कहीं जनता को देखने को मिल गया कि कितनी अच्छी प्यारी बातें हो रही है, लेकिन जनता चाहती थी कि ये एपिसोड में भी दिखाया जाए। क्या आपने ये कॉन्वर्जेशन सुनी? आपको ये कॉन्वर्जेशन कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से ये सभी बैठ के अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। आप अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और आपको लगता है कि ये दिखाना चाहिए था एपिसोड में, ये भी हमें बताइए। और देखते रहिए फीफा फूड्स इसी तरीके के अपडेट्स की।